हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी एमपी परवेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं। परवेश जी, आप लोगों ने अभी ज्ञापन दिया था मिलना हाउस में, बहुत सीधा सवाल जो स्टेटमेंट है, क्या आपको लगता है ये एक सिर्फ कम्युनिटी के तहत नहीं पूरे देश की छवि खराब करने के लिए भी एक अटैक है? देखिए, एक तो ये जो अपना पार्टी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और अभी उनकी बैठक हुई थी, शायद वो पूरे इंडिया अलायंस ने ये तय किया हो कि उदयनिधि मारन से बयान को दिलवाया जाए। मुझे लगता है पूरा इंडिया अलायंस जो है ये एक अपना तरीके से मुगलों के वंशज हैं और इनका जो डीएनए है वो ही एंटी सनातन है। तो ये सब लोगों को क्लियर करना चाहिए कि वो केवल एक पार्टी का बयान है या पूरा इंडिया अलायंस का बयान है। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारे मुगल आए मगर कोई भी सनातन धर्म को टच नहीं कर पाया क्योंकि सनातन धर्म जो है वो अपना अमर है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये अटैक की कोई अपना बीजेपी के ऊपर नहीं है, पूरे देश के ऊपर और पूरे दुनिया के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया गया है। तो 2024 के इलेक्शन में जनता जवाब देगी कि उनका बयान ठीक था या नहीं था। हमारी मांग है कि उदयनिधि मारन को अपने पद से हटाना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि लीगल एक्शन भी ले जाना चाहिए क्योंकि कई बार जब मैं ऐसे स्टेटमेंट्स किसी भी कम्युनिटी के तहत देखा है तो हेट स्पीच के तहत लोगों की मांग होती है कि एक्शन हो। अभी तक आपको क्यों लगता है कि कोई एक्शन या ऐसे कोई रवैया नहीं दिखा गया? देखिए, कल उनके खिलाफ में 2 FIR दर्ज हुई है और मेरे को लगता है आज भी अनेक राज्यों में जहां पर भी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा है और आपस में जो हमारा सामाजिक उन्माद है उसको जो भड़काने की कोशिश करी है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी है। और मेरे को लगता है कि क्योंकि इलेक्शन आ रहा है उसके लिए भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन पूरा हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। मगर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों हमारी भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। मगर हमारी मांग है कि उनको अपने पद से हटना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि ये G20 एक वीक भी है, हमारी जो G20 की रिप्रेजेंटेशन है वसुधैव कुटुंबकम है, जो सनातन संस्कृति है उसको भी हम कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने रखेंगे, ऐसे समय पे ऐसा एक बयान जब आता है, आपको नहीं लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि अभी तो मुझे लगता है 8, 9, 10 को क्योंकि G20 चलेगा तो और भी बयान का मैं अपना आशा करता हूं कि ये लोग और भी गंदे बयान देंगे केवल देश का माहौल खराब करने के लिए। बाहर के लोग आ रहे हैं देश में, हमारे मेहमान हैं, तो वो देश की छवि को, खराब छवि को लेकर जाएं, ऐसी इन लोगों की क्या मैं कहूंगा साजिश है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की अच्छी छवि बने पूरे दुनिया में तो ऐसे बयान से बचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, G20 अपनी जगह है। तो ये थे परवेश वर्मा जी, जिनका बहुत साफ कहना है कि G20 का हफ्ता है तो ऐसे जो बयान है वो कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने के तहत दिया जा रहा है कि कहीं कुछ घटे और इंडिया का जो छवि है वो विश्व के सामने खराब हो। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चटर्जी आज तक।